अस्सलाम वालेकुम, वेलकम बैक टू माय चैनल स्टडी फन। इफ़ यू आर न्यू टू माय चैनल देन प्लीज़ डू शेयर, सब्सक्राइब एंड लाइक माय चैनल। सो लेट्स गेट स्टार्टेड। तो आज का हमारा टॉपिक है वर्क डन इन पॉलीट्रॉपिक प्रोसेस। तो इसकी डेरिवेशन से पहले, वर्क डन की डेरिवेशन से पहले हमें पता होना चाहिए पॉलीट्रॉपिक प्रोसेस है क्या। ये एक जनरल प्रोसेस है जिससे हम दूसरे प्रोसेस को बना सकते हैं। और वो कैसे बनाएंगे, सिंपली हम एन की वैल्यू को चेंज कर देंगे डिफरेंट वैल्यू से। जैसे पी वी एन एक जनरल प्रोसेस है कंप्रेशन और एक्सपेंशन का। अब फॉर एग्जांपल इसमें अगर एन की वैल्यू को आप, ये जो एन है इसे बोलते हैं पॉलीट्रॉपिक इंडेक्स। अब इस पॉलीट्रॉपिक इंडेक्स में अगर आप एन की वैल्यू को, मतलब आप वन देते हैं वैल्यू, तो ये क्या बन जाएगा, पी वी इज इक्वल टू सी, मतलब आइसोथर्मल प्रोसेस बन जाएगा। और अगर आप एन की वैल्यू को गैमा देंगे 1.4, तो वो एक एडियाबेटिक प्रोसेस बन जाएगा। और इसमें अगर एन की वैल्यू को ज़ीरो पुट करेंगे, एन की वैल्यू को ज़ीरो पुट करेंगे तो वी की पावर ज़ीरो, जब V की पावर ज़ीरो तो मतलब प्रेशर इज इक्वल टू कांस्टेंट, तो ये कांस्टेंट प्रेशर प्रोसेस बन जाएगा। और इसी तरह अगर आप N की वैल्यू को इन्फिनिटी पुट करेंगे तो उससे आपके पास कौन से, कांस्टेंट वॉल्यूम प्रोसेस बन जाएगा। तो मतलब क्या है कि एक ऐसा जनरल प्रोसेस है जिससे हम डिफरेंट प्रोसेस बना सकते हैं। और एडियाबैटिक प्रोसेस और आइसोथर्मल प्रोसेस मैं अपनी प्रीवियस वीडियोज़ में कवर कर चुका हूँ और उनकी डेरिवेशन भी करवा चुका हूँ। मैं आपको लिंक भी दे दूँगा इसका, और ऊपर आपको सजेस्टेड लिंक्स में ना सजेस्टेड लिंक्स होते हैं ऊपर आई कार्ड पे ना, आप उसको प्रेस करेंगे तो मेरी वीडियो आपके सामने आ जाएगी। तो आप वहाँ जाके उन प्रोसेस को भी देख सकते हैं, वहाँ डिटेल में मैंने समझाया। अभी फ़िलहाल हम देखेंगे पॉलीट्रॉपिक। तो पॉलीट्रॉपिक मैंने समझा दिया, एक जनरल प्रोसेस है। अब देखते हैं इसकी डेरिवेशन। तो वर्क डन इन पॉलीट्रॉपिक प्रोसेस में हम पहले तो आप जनरल प्रोसेस देख लें। ये मैंने एडियाबेटिक प्रोसेस में भी बताया था और ये आइसोथर्मल प्रोसेस में भी बताया था। तो सेम रूल वो अप्लाई होगा कि पी वी की पावर एन इज़ इक्वल टू पी वन वी वन की पावर एन इज़ इक्वल टू पी टू वी टू की पावर एन इज़ इक्वल टू सी। ये कांस्टेंट के इज़ इक्वल है, ये सी जो है ये कांस्टेंट को शो कर रहा है। अब ये तो फार्मूला हो गया ना। वो अब वर्क डन मैंने आपको बताया था कि वर्क डन जो भी होता है ना वो कैसे फाइंड आउट करते हैं, इंटीग्रेशन से। इंटीग्रेशन से क्यों, क्योंकि जब आप इंटीग्रेशन लेते हो किसी भी कर्व की तो आप क्या कर रहे होते हो, उसका एरिया फाइंड कर रहे होते हो। और पी वी डायग्राम में जो एरिया अंडर द कर्व है वो वर्क डन के इज इक्वल टू होते हैं। तो वर्क डन फाइंड करने के लिए आपने क्या करना है, सिंपली इंटीग्रेशन करनी है। तो वर्क का फार्मूला होता है पी इंटू डी वी। तो सिंपली आपने क्या किया, लोअर लिमिट और अपर लिमिट पुट की है वॉल्यूम की। ये देखिए, ये जो इधर शो हो रहा है मैं दिखाता हूँ, ये हमारे पास है वॉल्यूम टू और ये हमारे पास है वॉल्यूम वन। तो जो वी टू है ये एक्स एक्सिस पे है तो ये बड़ी है, मतलब इसे अपर लिमिट लेंगे। और जो ये वी वन है ये इसका डिस्टेंस जो है एक्स एक्सिस से क्या है, कम है, तो ये लोअर लिमिट में आ जाएगी। तो यही हमने किया है, लोअर लिमिट में हमने वी वन और अपर लिमिट में हमने वी टू पुट किए। अब सिंपली हमने इंटीग्रेशन करनी है। अब हमने सिंपली, अब देखिए इधर आपको पता है पी वी की पावर एन इज़ इक्वल टू सी, पी वी की पावर एन इज़ इक्वल टू सी। अब यहाँ से आपने पी की वैल्यू निकालनी है, तो कैसे निकालेंगे, अब देखें पी वी एन इज़ इक्वल टू सी हो गया। अब यहाँ से आपको प्रेशर की वैल्यू चाहिए, तो आप सिंपली क्या करेंगे, वी एन जो कि इधर मल्टीप्लिकेशन में है प्रेशर के साथ, उधर जाके डिवाइड हो जाएगा, तो ये आपके पास प्रेशर की वैल्यू आ गई। तो जो हमने प्रेशर की वैल्यू निकाली थी उसमें हमने सब्सटीट्यूट कर दी इक्वेशन वन में। ये देखें पी है, पी की जगह हमने सिंपली क्या कर दिया, सी डिवाइडेड बाई वी की पावर एन कर दी है, ठीक है। अब इसके लिए नहीं इंटीग्रेशन, इंटीग्रेशन करने के लिए सबसे पहले मैंने क्या किया, कॉन्स्टेंट को बाहर निकाल लिया। ये जो सी है ना ये कांस्टेंट को शो करता है, तो इंटीग्रेशन से ये बाहर आ जाएगा। तो हमारे पास सिंपली क्या आ जाएगा, वन ओवर वी की पावर एन। अब वन ओवर वी की पावर एन को मैं नेगेटिव ऊपर लेके जाऊंगा तो पावर इन्वर्स हो जाएगी इसकी, तो ये आ गया यहाँ तक वी की पावर माइनस एन। अब लेंगे इसकी इंटीग्रेशन। इंटीग्रेशन आपने पढ़ी हुई है, वो मैं दोबारा बताया था आपको कैसे किया है इसको। अब आप जब एफ एस सी में पढ़ते थे इंटीग्रेशन, तो सिंपली क्या होता था, एक्स की पावर माइनस एन होती थी। तो अगर आप इंटीग्रेशन करते थे लोअर लिमिट और अपर लिमिट पुट करके, तो आपके पास क्या आ जाता था, एक्स की पावर माइनस एन प्लस वन, और ये हमने इंटीग्रेशन का अपर लिमिट और लोअर लिमिट पुट कर दी। अब इसमें हम क्या करेंगे, एक्स की जगह टू पुट करेंगे एंड देन फिर जो फंक्शन है एक्स की पावर माइनस एन प्लस वन, उस फंक्शन में हमने क्या करना है, टू पुट करना है एंड देन वन पुट करना है। तो सिंपली ये इंटीग्रेशन की है हमने, इंटीग्रेशन कर ली है हमने सिंपली। ये देखिए इंटीग्रेशन इधर आ गई है। अब हमने क्या किया है, सी अब हमने इस फंक्शन के अंदर अपर लिमिट और लोअर लिमिट पुट कर दी है वी टू और वी वन। उसके बाद क्या किया हमने, इस सी को मल्टीप्लाई करा दिया है वी टू के साथ भी और वी वन के साथ भी। इधर देखें सी को, इस सी को हमने इसके साथ भी मल्टीप्लाई करा दिया है और इसके साथ भी। अब सी की वैल्यू को आपने कौन सी, मतलब सी तो देखें पी वन वी वन की पावर एन भी है, पी टू वी टू की पावर एन भी है, तो हमने कौन सी वैल्यू लेनी है सी की, तो वो आपको पता लगेगा इधर वॉल्यूम से। इधर वॉल्यूम टू है, इधर वॉल्यूम
यानी जो सबस्क्रिप्ट में है, यानी कि वॉल्यूम एट स्टेट वन, तो जहाँ वॉल्यूम एट स्टेट वन है वहाँ आप P1 V1 की पावर n लोगे, ये आ गया हमारे पास। और जहाँ हमारे पास V2 की पावर -n+1, जहाँ स्टेट टू है, तो वहाँ आप लिखोगे P2 V2 की पावर n, ठीक है। अब ये क्यों कर रहे हैं, ताकि हमारे पास बेसिस सेम हो जाए और पावर ऐड होके हमारे पास जो भी कैंसिलेशन का प्रोसेस है वो हो जाए और हमारे पास एक सिंपल एक्सप्रेशन आ जाए। अब P2 तो वैसे का वैसे, अब देखें V2 इधर, V2 और V2, ये भी V2 है और ये भी V2 है, दोनों V2 हैं। जब आपको पता है बेसिस सेम होती है तो पावर क्या हो जाती हैं, ऐड हो जाती हैं। तो सिंपली हमने क्या किया, इस n को और -n+1 को हमने ऐड कर दिया है इधर, ये चेक करें। और इधर P1 वैसे का वैसे ही हमने वैसे उतार लिया इसको। और इसके अलावा V1, अब देखें इधर और इधर, इन दोनों की बेस सेम है, बेस सेम हो तो पावर ऐड हो जाती हैं, तो -n+1 और +n को हमने क्या कर दिया है, प्लस कर दिया है। उसके बाद बड़ा सिंपल प्रोसेस किया है हमने, क्या किया कैंसिलेशन, अब देखिए -n और +n कट जाएगा और ये वाला -n और ये +n कट जाएगा, हमारे पास क्या आएगा P2 V2 -P1 V1 सिंपल और -n+1। तो ये हमारे पास है सिंपल पॉलीट्रॉपिक प्रोसेस का वर्क डन का एक्सप्रेशन। तो हम इस तरह ड्राइव करते हैं पॉलीट्रॉपिक के वर्क डन की एक्सप्रेशन को, और ये एक्सपेंशन का जो है वर्क है। तो थैंक यू वेरी मच फॉर बीइंग हियर। तो आगे हम मिलते हैं नेक्स्ट वीडियोस में, उसमें मैं एक्चुअली आपको बताऊंगा कांट साइकिल के बारे में।